जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आप जानते हैं जब संसद के अंदर मोदी सरकार से पूछा गया कि क्या आपके पास गिरफ्तार पत्रकारों के आंकड़े हैं कि भारत के अंदर कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, तो भारत सरकार कहती है कि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर जो है वो राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। जब इससे यह पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के चलते कितनी मौतें हुई, तो एक भी मौत नहीं हुई। जब इससे यह पूछा जाता है कि किसान आंदोलन में जहां कम से कम 700 किसानों की मौत हुई थी टीकरी और तमाम बॉर्डर्स पर, तब इस सरकार का कहना है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं है। जब इनसे यह पूछा जाता है कि पहले लॉकडाउन में जब मजदूर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया था, कितने मारे गए, कितनों ने अपनी नौकरियां गंवाई, इनके पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। और अब जब इनसे पूछा गया है कि कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, तो इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इन्होंने कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। कहते हैं, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड फॉर प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल्स। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डज नॉट मेंटेन स्पेसिफिक डेटा विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट। कहते हैं कि भाई राज्य का विषय है, तो हम क्यों इसमें अपना सिर घुसाएं। जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय मीडिया की बदनामी हो रही है, जब सिद्दीक कप्पन को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो अपना काम करने हाथरस जा रहा होता है और वो भी आतंकवाद की धाराओं के अंतर्गत, तब क्या इस सरकार का फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के आंकड़े अपने पास रखे। पवन जायसवाल की मौत कैंसर से हो गई, मगर जब ये जिंदा थे तो इन्होंने एक स्टोरी की थी और वो स्टोरी ये थी कि मिड डे मील स्कीम में हमारे गरीब बच्चों को खराब खाना मिल रहा है, इन पर तमाम केसेस लगा दिए गए। भूल जाइए मोहम्मद जुबैर को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा, वो आदमी जो सिर्फ फैक्ट चेक कर रहा था, यानी कि गलत, भ्रामक और भड़काऊ जानकारी का पर्दाफाश कर रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विवादित पूर्व प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट पूरा संरक्षण देती है गिरफ्तारी से, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि जुबैर के खिलाफ कुछ चक्र चल रहा है, मगर इतने दिनों तक वो जेल में रहता है। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं मोदी सरकार को, और फिर आप कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। और जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के आंकड़ों के मुताबिक 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 142वां है, तो माननीय अनुराग ठाकुर, जी हां, जिन्होंने वो नारा लगाया था ऐतिहासिक, देश के गद्दारों को गोली मारो, और बाद में इन्हें सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया था, तब उनका कहना था कि भाई हम इन्हें मानते ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो संस्था तैयार करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हम इसे मानते ही नहीं है, ये फालतू है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। संसद में सांसद मोहम्मद पीपी फैजल के एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने सूचकांक तैयार करने में गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। ठाकुर ने कहा कि सरकार विभिन्न कारणों से निष्कर्षों की सदस्यता नहीं लेती, जिसमें बहुत कम नमूने का आकार शामिल है। इनका यह भी कहना है दोस्तों कि भारत सरकार मीडिया के काम में कभी दखल नहीं देती। सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने न्यूज क्लिक ज्वाइन किया था, उस वक्त मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट पेश की थी, एक शो किया था, और उस शो के अंदर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री मीडिया के काम में दखल देते हैं। इसके अलावा बीजेपी के अंदर इनके जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उनका सीधा नाता रहता है तमाम पत्रकारों के साथ, उनके संपादकों के साथ, और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक माननीय हैं, एक सज्जन हैं, जिनका सीधा दखल होता है वरिष्ठ एंकर्स और पत्रकारों पर। जितना पत्रकारों पर ये कंट्रोल करते हैं, उतना कंट्रोल कोई किसी पर नहीं करता।
इन्हें किस तरह के पत्रकार चाहिए मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके मिसाल आ रहा है। एक्सरे से ज्ञान व्यापी का सच, ज्ञान व्यापी का एक्सरे पर ट्वीट कीजिए। जब देश महंगाई के दंश का सामना कर रहा था तो यह चैनल यह डिबेट कर रहा था। ब्रांड मोदी की बदनामी की बड़ी चाल, गुजरात कॉन्स्पिरेसी पर ट्वीट कीजिए। मोदी बदनामी की स्क्रिप्ट सोनिया राइटर। आगे देखिए साहब, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली? यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, हर तरफ वही कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें विपक्ष को बदनाम किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रोपेगेंडा को मदद मिले। इस तरह की मीडिया ये चाहते हैं। लिहाजा जब इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, तो इन सवालों के जवाब वो क्यों देंगे? कल ही फिल्म मेकर अविनाश दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तार पूजा सिंघल और देश के गृहमंत्री अमित शाह का एक साथ जिक्र किया था। इस मुद्दे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा गुजरात के अंदर भी इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गुजरात के एक पत्रकार पर देशद्रोह राजद्रोह का केस इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि रूपाणी साहब के काम से केंद्र सरकार खुश नहीं है और उनकी जगह किसी और को लाया जा सकता है। अब जो पत्रकार ने कहा था वो तो सही साबित हुआ क्योंकि आप जानते हैं विजय रूपाणी साहब हट गए, उनकी जगह भूपेंद्र पटेल साहब बन गए आज गुजरात के सीएम। तो क्या गलत कहा था? मगर उस पर राजद्रोह का केस कर दिया गया। और फिर आप कहते हो कि पत्रकारों के लिहाज से रामराज चल रहा है इस देश में। आपको पत्रकार सिर्फ वो पसंद हैं जो आपकी चाटुकारिता करें, आपको वो पत्रकार बिल्कुल पसंद नहीं है जो आपसे सवाल करें। और हर पत्रकार का ये फर्ज होता है, बाय डिफॉल्ट हर पत्रकार के डीएनए का हिस्सा होता है कि वो सवाल करे। मगर मुद्दे से भटकना, मुद्दे को टालना कहीं ना कहीं मोदी सरकार का अंदाज़े बयां रहा है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जब मोदी सरकार से पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई थी, वो मुद्दा जिसके चलते आम इंसान बेबस था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आके उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि हिंदुओं को भी अपने परिजनों को दफन करना पड़ा, अपने रीति रिवाज के हिसाब से वो उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। और सरकार क्या कहती है कि हमें राज्य से और यूनियन टेरिटरी से कोई आंकड़ा नहीं मिला, लिहाजा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अरे ये कहने से पहले सोचना चाहिए आपको, आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको तमाम आंकड़े लाने चाहिए। और बार बार रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, आंकड़ों को छुपाया गया। गुजरात जो कि मॉडल स्टेट है, वहां ऑक्सीजन की कमी से लोग सड़क पर मर रहे थे और आंकड़ों को छुपाया गया कि असली मौतें कितनी हुई। ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने आई हैं और अब आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। माना किसान मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या जो मारे गए 700 किसान जो हैं उन्हें आप मुआवजा देंगे, तो ये सरकार क्या कहती है? ये सरकार कहती कि भाई कोई आंकड़े ही नहीं है कोई किसानों के मरने के, तो हम मुआवजा किस बात पे दें? आप लॉकडाउन बरपा देते हैं बगैर किसी प्लानिंग के, मजदूर सड़क पर निकल जाता है। मैं नहीं भूला हूं कि रेलवे पटरी पर कुछ मजदूर सो जाते हैं और गाड़ियां उनके ऊपर से निकल जाती है, ट्रेन उनके ऊपर से निकल जाती है। और बाद में जब इस सरकार से पूछा जाता है कि कितने मजदूर मारे गए, तब इनका कहना था कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। ये वो सरकार है जो पेगासस के जरिए पत्रकारों पर, विपक्ष के नेताओं पर अंकुश लगती है। आपके फोन के आसपास क्या चल रहा है इस सरकार को सब मालूमात होती है पेगासस के जरिए। और आप यह कहते हैं कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, यह सरकार यह कहती कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। आपके पास ना गिरफ्तार पत्रकारों के आंकड़े हैं, ना मृत किसानों के आंकड़े हैं, ना मृत मजदूरों के आंकड़े हैं, ना ऑक्सीजन से मारे गए लोगों के आंकड़े हैं। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है जबकि सारा खेल आप आंकड़ों का करते हैं, सारा खेल आप संवाद का करते हैं, नैरेटिव का करते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव हर जगह काम आए। यह हकीकत है और आप इस हकीकत से नहीं बच सकते।
इसलिए मेरा मानना है कि सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो संसद में कहा वो निहायत ही संवेदनहीन है। सरकार को तैयारी के साथ आना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि पिछले 8 सालों में कितने पत्रकार गिरफ्तार हुए, और इसकी तुलना होनी चाहिए कि जो पहले की सरकारें थीं उस दौरान पत्रकारों पर कितने अत्याचार और कितनी गिरफ्तारियां होती थी। हकीकत को पहचानिए, आईना आपके सामने है, आईना से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये नहीं कह सकते आप कि आईने में दरार है। अगर शक्ल बदनुमा दिखाई दे रही है तो वो हकीकत है। आईने पर दोष मत मढ़िए, क्योंकि मैं आईना दिखाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।